Joining me right now is a man who has been embroiled in controversy. Yes, joining me on the telecast is Sanjay Nirupam. Sanjay Nirupam was, up until two days ago, a Congress member. He has been expelled from the party, but his argument is that he decided to let go of the party. He quit the party, and 12 hours later, there was an expulsion letter against him by the Congress High Command. Now, Sanjay Nirupamji, the situation on the ground with regards to your scathing attack on the Congress, and you speak about the alleged five power centres. Now, were you distressed by it? Were you not getting opportunities within the Congress that you decided to quit the party? I am not the only person who is not getting opportunity or who is not being heard by the party high command. there lakhs of Congress party workers leaders who are not at all feeling very much fit in this present regime। जब मैंने कहा कि panch panch power center हैं तो ये सच है सोनिया जी का एक अपना ecosystem है राहुल जी का एक अपना है और एक उनका बहन जी का भी है फिर अध्यक्ष जी का भी है वेणुगोपाल जी का भी है और सारे जो इको पावर सेंटर्स हैं उन्हें अपनी लॉबी तैयार कर रखी है अपनी कोटरी बना रखी है और सब एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं बहुत सारे लॉट ऑफ आर टेकन बाई दिस और दिस पावर सेंटर्स अंडर द देशन ऑफ मनी मतलब मेजर डिसीजंस मोनेटाइज किए जा रहे हैं अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा आगे नहीं कहना पाऊंगा लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पार्टी को बचाने और बढ़ाने के लिए पार्टी और बढ़ा, पार्टी को बचाने और बढ़ाने के लिए ईमानदार जो प्रयत्न होने चाहिए वो प्रयत्न नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से पार्टी लगातार सिकुड़ती चली जा रही है नेशनल सीन में आप साफ साफ देख रहे हैं पार्टी अभी और भी सिकुड़ जाएगी और भी छोटी हो जाएगी पर, पर यहाँ पे कांग्रेस ने आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगाई है वो कह रहे हैं कि आपने एंटी पार्टी कमेंट्स किए हैं एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए हैं पर्टिकुलरली जो महाविकास का सीट शेयरिंग पैक्ट डिस्कशन में है उसमें आपने उल्लंघन डाला है ऐसा है ऐसा है जब आप ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी का पूरा भविष्य मुंबई में और महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा और आपके फैसलों से जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जो लीडर्स हैं यहाँ के वो दे आर नॉट फीलिंग वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड तब ये मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने हाईकमान को बताऊं और मैं जब बताना चाहता हूं तो कोई सुनने वाला नहीं है मैं आपको ऐसे एसएमएस दिखा सकता हूं जो दो दो महीने पहले हमने भेजे कि भाई आप लोग इंटरवीन करिए वरना अब वरना कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी यहां पे उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं है कोई सामने से बुला के पूछा नहीं जा रहा भाई क्या इशू है कैसे सॉर्ट आउट किया जाए जिन लोगों के हवाले आपने पार्टी छोड़ रखी है वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है ओके। वो खुद भी आने वाले दिनों में कांग्रेस में रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है तब जाकर के अब अगर कोई सुनने वाला नहीं है और तब जब शिवसेना ने यूनिलिटरली अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया तब मैंने डिसाइड किया कि अब पब्लिक में जाना बहुत जरूरी है और पार्टी का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है और अगर मैं पार्टी को बचाने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और उससे अगर टूट भी जा रहा है तो आई पार्टी के हैं तो पहले पार्टी को बचाने की चिंता करिए तो अगर, 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 तो अगर, अगर, तो अगर अगर यहाँ पे एक बात बनती है कोऑपरेशन हो रहा है अलायंस बन रहा है क्या कांग्रेस के हित में होगा कि वो अलायंस तोड़ दे अपने हित में बात करे अपने हित के लिए यहाँ पे लड़े क्योंकि जो हम इंडिया अलायंस को देख रहे हैं क्या वो अगर डिवाइडेड होंगे क्या वो बीजेपी का सामना कर सकते हैं या वो यूनाइटेड होंगे तब उनका बेटर चांस है बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने का देखिए कोई भी गठबंधन होता, होता है अलायंस होता है ना तो दोनों हाथों से ताली बजती है और दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है या तीनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होता है यहां जो अलायंस हुआ है उसमें शिवसेना को बहुत लिवरेज दे दिया गया शिवसेना बहुत हावी हो गई है तो यह जो एक तरफा गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत कमजोर स्थिति में रख देगा ये मेरी चिंता है अब फिर भी अगर, अगर ये अपने 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 भविष्य को लेकर ये चिंतित नहीं है तो ये इनकी समस्या है मेरा धर्म है बताना और मैं आज बता रहा हूं आने वाले दिनों में मैं भी यही हूं कांग्रेस पार्टी के लोग भी देखेंगे कांग्रेस का क्या हाल होगा आप भविष्य की बात करते हैं लेकिन अगर आपके आपके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं क्या आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं आपका पॉलिटिकल फ्यूचर अभी इस समय कहाँ है अभी तो फिलहाल जो कुछ है वो सामने है और आने वाले दिनों में मैं कहाँ जाऊंगा क्या करूंगा ये बहुत जल्दी बताऊंगा लेकिन आज इस समय नहीं बताना चाहता हूं कुछ बातें चल रही है कुछ करेंगे लेकिन आने वाले दिनों में हम बता देंगे कि भाई क्या करना है कैसे करना है लेकिन चुनाव लड़ा जाएगा और यहीं से चुनाव लड़ा जाएगा कैसे किस तरह से ये आगे अभी भविष्य में सब कुछ छुपा हुआ है ओके okay. यहाँ पे नेशनल पार्टीज है रीजनल पार्टी है उन, उनके साथ उनकी आइडियोलॉजीज के साथ आपकी और आपकी आए, आइडियोलॉजी क्या मेल खाती है कौन सी ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप कहेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी इनका जो मार्गदर्शन है उसके आ, उसके रहे तो आप चलेंगे। अभी अभी आप अप, अपने आप को अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत दीजिए ये मेरी चिंता है मैं आने वाले दिनों में एक फैसला करके बताऊंगा और अनाउंस करूंगा अभी तुरंत नहीं बात भी चुनाव में बहुत टाइम है okay. हमारे यहाँ इलेक्शन हमारे यहाँ इलेक्शन 20 मई को है और 3 मई को नॉमिनेशन है।, तो एक एक है, क्रि है आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सिचुएशन महाविकास अगाड़ी में बहुत छोटी हो गई है कांग्रेस को लड़ना चाहिए अपनी सीटों के लिए अपने लीडर्स के लिए अपने कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हमने देखा कि अशोक चौहान भी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी के अंदर आ गए हैं उनको सीट भी मिली है और यहां देखा जाए कि जो कैंपेनर्स है, हैं, स्टार हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के अंदर वो अब गिनती के एक दो ही रह चुके हैं क्या इससे इंपैक्ट पड़ेगा कांग्रेस के वोटों और सीटों की जीतने का महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं बहुत सारे फैक्टर हैं जिनका असर पड़ेगा कांग्रेस के भविष्य पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली एकदम पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हो चुकी है फिर आइडियोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी एक कंप्लीटली एक डिसकनेक्टेड है आज के हिंदुस्तान से फाइनेंशियली तो वो खुद ही अनाउंस कर चुके हैं कि वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का हाल बहुत अच्छा है स्टार कैंपेनर वगैरह तो बहुत एक एक छोटा सा विषय है बड़ा अगर पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ये घोषणा पत्र ही जारी कर सकते हैं और पिछले जो घोषणा पत्र थे वो सारे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं ये सब भी रद्दी के टोकरे में जाएंगे जब ये न्याय की बात करते हैं लेकिन जनता ही जब इनके साथ न्याय नहीं करेगी तो ये कौन से जनता के साथ न्याय करेंगे भाई ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये घोषणाएं तो तब होगी ना जब सरकार आएगी और सरकार आने का कोई चांस ही नहीं है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग खुद मुझे बहुत पहले बोल चुके हैं कि 2024 हमारा नहीं है जब दो हजार चौबीस तुम्हारा नहीं है तो काय के लिए घोषणा पत्र कर क्यों अपनी स्टेशनरी बर्बाद कर रहे हो तुम लोग भाई क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो तो ये बेसिकली लोगों को बरगलाने को लोगों को बहकाने के लिए इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे इन आयोजनों से इस प्रकार के घोषणा पत्रों को जारी करने से कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं कोई कोई भला नहीं होने वाला अच्छा यहाँ पे बीजेपी की बात करें एनडीए की बात करें तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी ये चुनौती है कि इस बार बीजेपी को 370 सीट मिलेंगी और एनडीए 400 सीट से ज्यादा सी भी मात्रा में जीतेगा आपको इसमें क्या आप इसमें सहमति मानते हैं कि आपको लगता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है देखिए कांग्रेस पार्टी और उनके आसपास जो उनके गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनका चाल चलन और आचरण देख करके तो मुझे साफ साफ लगता है कि इनकी सीटें बहुत कम होंगी और जब इनकी सीटें कम होगी तो उसका निश्चित तौर तो पर सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा अब सचमुच कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार का कोई सर्वे हो सकता है मेरे पास इस तरह के किसी सर्वे का एक्सेस नहीं है और मैंने नहीं जा मैं नहीं जानता हूं कि लोकसभा की कौन कौन सी सीटें कौन कौन सी पार्टियां जीत रही हैं मैं एक मोटा मोटी तौर पर आचरण के हिसाब से बोल रहा हूँ जिस तरीके से काम चल रहा है गठबंधन में जिस तरह से झगड़े और खींचतान चल रहे हैं उससे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि बहुत बुरा हाल होगा आने वाले दिनों में कांग्रेस और उसके साथियों तो उसका सीधे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को तो सीटें कितनी आएगी मैं आज की तारीख में नहीं कह सकता जी और, और एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे आपने पहले जब आप कांग्रेस में थे आपने बहिष्कार किया है बीजेपी का आपने ताने कसे हैं बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अब क्या आपका रवैया बीजेपी की तरफ कुछ बदलता नजर आ रहा है देखिए देखिए जब आप अपोजिशन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की आलोचना करेंगे सत्ता पक्ष के कामकाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे जो विरोधी लोग होते हैं उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे लेकिन जब आप वो पक्ष छोड़ देते हैं तो और और किसी और सामने वाले पक्ष से जुड़ने के जुड़ना चाहते हैं या जुड़ने की कोई प्रक्रिया चल रही है तो निश्चित तौर पर पहले जो आपने कहा है वो कहीं ना कहीं उससे आप नाता तोड़ रहे हैं और जिनसे आपका किसी प्रकार का मतभेद था उन मतभेदों को मिटाते हुए उनके साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर पहले जो था वो सही नहीं होगा